तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड है मेरा दोस्त, क्योंकि मैंने उसे बहुत बोला है कि यार मतलब फेस दिखा दे या कुछ बोल दे, बट वो चुपचाप शांति से, उसको बिल्कुल पसंद नहीं ज़्यादा कैमरे में आना या फिर कुछ बोलना। सो उसने कहा कि मैं मतलब अजनबी ही अच्छा हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैंने बोला ठीक है। बाकी बता दूँ कि ये सारा स्पॉन्सर, सारा का सारा पैसा जो है वो ये दे रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई एम टोटली कंगाल। तो ये वाली बोटिंग करके हो गई। अभी एक और बोट है, बड़ी वाली बोट, जहाँ पे मतलब एक पूरा राउंड मारते हैं हाफ एन आवर का, तो वो वाली बोट में जा रहे हैं। अभी देखते कि यहाँ पे स्पेशल क्या है। तो ये बोट है यहाँ की जो बहुत से लोगों को एक साथ लेके जाती है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। ये मतलब ठीक है, मतलब ओके ओके है, इतना भी कुछ ये नहीं है, मतलब ठीक है, सीनरी अच्छी रहेगी यहाँ की, आई होप सो। तो बे ऑफ बंगाल मतलब ऐसा दिखता है एग्जैक्टली। ओके, तो अभी तक की जर्नी जो है वो काफ़ी मतलब अच्छी रही, और मेरे फ्रेंड के आने से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, रामेश्वरम मैंने अच्छा खासा मतलब कवर कर लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक प्रॉफिट की बात है, लेकिन साथ में आगे जो लॉस होने वाला है उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि चेन्नई के बाद, मतलब चेन्नई से जब मैं निकलूँगा, तब मैं कोई भी वाहन का प्रयोग नहीं करने वाला, मैं कोई भी लिफ्ट नहीं मांगने वाला, मैं चेन्नई से पूरा का पूरा जो सफ़र है वो बाई वॉक यानी कि बाई रोड तय करने वाला हूँ। हाँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, पता है मुझे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन टू यू नो ट्रैवल होल कंट्री, बट ठीक है, अभी सोचा है तो कुछ ना कुछ तो सोचा रहेगा, मतलब भगवान ने अगर कोई सोच दी है मुझे तो कुछ ना कुछ तो सोचा रहेगा, कि तब जाके वो थिंकिंग मेरे दिमाग में आई है। तो देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे ट्रैवल करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे साउथ में मुझे कोई लिफ्ट दे ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है लैंग्वेज का बहुत इशू है मुझे लिफ्ट मांगने का। तो मतलब मुझे तमिल तेलुगु आती नहीं है और ये लोग को समझती नहीं है, तो मैं इनसे क्या ही लिफ्ट मांगूँ, तो उससे बेटर है कि मैं चुपचाप अपना बाई रोड का रास्ता नाप लूँ। तो आ गए हम लोग ये गेट के पास वापस। अभी जो है वापस रूम पे जाने का प्लान है, एंड रूम पे जाके 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर वापस निकलना है, क्योंकि ट्रेन है शाम की। शाम की ट्रेन से वापस जा रहे हैं चेन्नई। यस, वापस जाएंगे चेन्नई, और चेन्नई में मेरे दोस्त को मैं छोड़ दूँगा। तो ये हम लोग रूम पे पहुँचे। थैंक यू, वेलकम अगेन, क्या था वो, भूल गया मैं, थैंक यू विजिट अगेन शायद। तो ये है मतलब यहाँ के रोड, जो मुझे काफ़ी प्रिटी लगते हैं। एंड अपने पास अपना बैग वापस आ गया, और अपन चल दिए फिर से अपने सफ़र पे। डर नहीं है, टेंशन नहीं है, बस भगवान साथ में है तो सफ़र भी कटता रहेगा। मुसाफिर बने हैं तो लोग मिलते रहेंगे। रामेश्वरम स्टेशन पहुँच गए, ये हमारी ट्रेन है, ओ सॉरी ये ट्रेन है। तो अब चढ़ गए ट्रेन में, सफ़र का मज़ा लेते हुए। Thank you.
तो बस कुछ देर की बात है, उसके बाद जो है हमारा दोस्त हमसे बिछड़ जाने वाला है, क्योंकि वो मतलब एक दिन रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पे चेन्नई में, लेकिन उसके बाद जो है उसको जाना पड़ेगा। और कोई नहीं, मतलब थोड़ा सैड फील हो रहा है कि अब तक एक साथी था साथ में, अभी मतलब अकेले वापस, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आने से मुझे एक पार्टनर वाली फीलिंग आ रही थी, और मतलब साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि नहीं भाई, आज नहीं तो कल मुझे अकेले ट्रैवल करना है। तो ये भी एक दिल में मतलब ये है कि नहीं भाई, बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि निकुंज, आई नो कि तूने अकेले ट्रैवलिंग करना मतलब किया है, तो जितना भी हो सके खुद को मतलब ट्रेन कर ले। प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए चेन्नई के, एज यूजल भीड़ है यहाँ पे, चेन्नई इग्मोरे स्टेशन, इग्मोरे क्या होता है भैया, नाम कैसा है ये। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं रूम पे, और मतलब वो अभी कुछ ले रहा है मेडिकल से, तो मैं मतलब मेरे बाल सेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बाल काफ़ी बड़े हो गए। सो बस अभी रूम पे जाएंगे और थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, खाना वाना खाएंगे, एंड फिर कल तो है वो जा रहा है, तो थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, लेकिन ठीक है यार, कोई नहीं, अकेले ही था मतलब निकला हुआ, तो सफ़र में साथी मिलते ही है, तो मतलब अपना ही दोस्त है, कोई नहीं।